Hello friends, welcome to Wikipedia classes. So in this video we will discuss the 5-year plans, which is a very relevant topic as far as your UPSC exam is concerned. State PSC का exam देंगे तो भी आप JKPSC का exam देंगे या JKSSB का exam देंगे तो वहाँ भी आपको help करेगा, even SSC के exam में भी help करेगा. सो नो डाउट प्लानिंग कमीशन को अब ख़त्म कर दिया गया उसको, बट 5-year प्लान्स जो हैं इट दे रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसलिए ये आज भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. सो वीडियो को एंड तक देख के इसका जो PDF है, अगर आपको चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे. यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9086280585 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है. सो अदरवाइज आप मुझे विकिपीडिया जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. इस तरह की वीडियोज़ चैनल पर बहुत सारी हैं विच विल हेल्प यू इन ऑल दी एग्ज़ाम्स. तो अब चलिए बात करते हैं. ये देखिए, दीज आर दी हैंड रिटन नोट्स बेसिकली. तो 5-year प्लान्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट 5-year प्लान की. जो प्लानिंग की हिस्ट्री है उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि वाई वी अडॉप्टेड दीज प्लान्स. बट अभी हम मैं सिर्फ बात करूंगा फर्स्ट 5-year प्लान की. तो बेसिकली प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट होती है 1951 से. एक्चुअली प्लानिंग कमीशन जो था दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी, और जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो था वो प्राइम मिनिस्टर होता था और एक वाइस चेयरपर्सन होता था. 2015 में उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग जो है वो क्रिएट किया गया, और नीति आयोग का भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है और उसका भी एक वाइस चेयरपर्सन जो है वो रहता है. पर अभी हम बात करेंगे प्लानिंग की. तो प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश हुआ और 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट जो है वो 1951 में आया. तो फर्स्ट 5-year प्लान वॉज फ्रॉम 1951 टू 56, जिसमें जो फोकस था दैट वॉज ऑन प्राइमरी सेक्टर. सो बेसिक फोकस दैट वॉज ऑन प्राइमरी सेक्टर, और जो इंडिया का आइडिया था बेसिक दैट वॉज सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकॉनमी. क्लोज्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है विच इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करती, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं रहती है. तो इंडिया का यही था कि हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे, मतलब हम अपने से ही सारी चीज़ें पूरी करेंगे और हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं करेंगे. और आई थिंक दिस वाज वन सच थिंग जिसने बाद में इंडिया को बैकफायर भी किया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में किसी भी इकॉनमी का प्योरली क्लोज्ड रहना काफ़ी टफ है. सो प्रायोरिटी इसमें दी गई एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को और पावर प्रोजेक्ट्स को. ये आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो 5-year प्लान था उसका फोकस था प्राइमरी सेक्टर पे. प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर पे फोकस था. अब क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट रशिया से लिया और रशिया में ये कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेरोड एंड डोमार टू इकोनॉमिस्ट, तो इसलिए हम इसको हेरोड डोमार मॉडल भी बोलते हैं. तो फर्स्ट 5-year प्लान जो था दैट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरोड डोमार मॉडल. टारगेट इसमें जो ग्रोथ रेट का था दैट वॉज 2.1%, और अचीव की थी जो हमने ग्रोथ रेट दैट वॉज 3.6%, विच इज़ मोर देन द टारगेटेड वन. इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे इस टाइम पे, इंक्लूडिंग भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुड डैम, मैतूर डैम, दामोदर वैली डैम. तो ये सारे डैम्स इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट किए गए. 5 IITs जो थे वो स्टार्ट किए गए थे इस टाइम पे, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज. और फर्स्ट IIT वॉज IIT खड़गपुर, और उसके साथ और भी IITs एस्टैब्लिश किए गए. इसके साथ इसी 5-year प्लान में आपका UGC एस्टैब्लिश हुआ, दैट वाज यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन. देन उसके बाद पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया CDP, दैट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952, और फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज स्टार्ट की गई 1953 में. तो दिस वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान. अब चलते हैं सेकेंड 5-year प्लान पे. तो सेकेंड 5-year प्लान का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1951 टू 1956. इसमें जो फोकस था वो एग्रीकल्चर के साथ चेंज होके अब हो गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, यानी फोकस शिफ्टेड टू हैवी इंडस्ट्रीज़, की हमको हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाना, और पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं
उनको डेवलप करवाना है। वैसे भी प्राइवेटाइजेशन का उस टाइम पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं इंडिया में, तो सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट करनी है पब्लिक सेक्टर की। उसके बाद यहीं से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ लाइसेंस राज। क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो आपने डेवलप करवाया, साथ में आप बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए। जब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो अब उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी इंडस्ट्री डेवलप कर स्टार्ट करने के लिए, तो वो इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए दे नीड लाइसेंसेज। इसलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ लाइसेंस राज का, और यहीं से कॉन्सेप्ट होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का भी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों मिलके काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी मिलेंगी और प्राइवेट एंटिटीज़ भी मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, टेलीकॉम के केस में यू हैव BSNL एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, और प्राइवेट के केस में आपके पास जियो है, एयरटेल है, तो दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 भी लाया गया, जो मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब डिस्कस करूंगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे। देन ये जो प्लान था दैट वाज क्रिएटेड बाय PC महलनोबिस, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। उन्होंने इसीलिए इसको महलनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा, महलनोबिस के बर्थ डेट को कंसिडर किया जाता है एज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और अब आपका काम है कि यू विल टेल मी कि कौन सी डेट को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो मनाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद स्टील मिल स्टार्ट की गई, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे, तो स्टील मिल स्टार्ट की गई भिलाई में, दुर्गापुर में, रोरकेला में, विच आर अराउंड झारखंड, वेस्ट बंगाल के पूरे रीजन में। देन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश किया गया 1957 में अंडर द हेडशिप ऑफ होमी बाबा। देन TIFR, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की फाउंडेशन रखी गई। कोल की प्रोडक्शन पे फोकस किया गया, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, तो उसके लिए कोयले की ज़रूरत थी, तो कोल जितना प्रोड्यूस हो सकेगा उतनी एनर्जी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे लाइंस बिछाई गई, क्यों? क्योंकि रेलवेज वर दी चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टारगेटेड ग्रोथ रेट जो था वो 4.5 था, जबकि एक्चुअल हमने अचीव किया 4.27, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आसपास ही था उसके। देन थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं 1961 से 66। इसी प्लान को गाडगिल योजना भी बोलते हैं, क्योंकि इट वॉज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय धनंजय रामचंद्र गाडगिल, सो इसीलिए इसको गाडगिल प्लान बोलते हैं। इसका में बेसिक फोकस था अचीव सेल्फ रिलायंस इन फूड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में भी और फूड प्रोडक्शन, मतलब कि एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, दोनों में हम सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। बट ये प्लान अल्टीमेटली फेल हो गया, क्योंकि हमने दो वॉर लड़े। कौन कौन सा वॉर लड़ा? 1962 में वी फॉट दी वॉर विद चाइना, और 1965 में वी फॉट दी वॉर विद पाकिस्तान। अब वॉर पे बड़ा ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई, और आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो थी वो 36% पे चली गई, विच इज़ वेरी हाई इन्फ्लेशन। बेसिकली 36% पे इन्फ्लेशन चली गई। अभी का हमारा इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 6%, 2 से 6% है, कि लोअर लिमिट 2%, अपर लिमिट 6%, तो यू कैन सी 36% चली गई आज से उस टाइम पे इन्फ्लेशन। तो पहली बार रुपी को डीवैल्यूएट करना पड़ा, तो करेंसी डीवैल्यूएशन पहली बार कंट्री में हुई है 1966 में। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब होता है जब आप डेलिब्रेटली रुपी की कीमत जो है वो फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में कम करते हो, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। पहली बार डीवैल्यूएशन 1966 में की गई। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हो। जब रुपी की वैल्यू कम होती है फॉरेन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब कि बाहर के लोग कम पैसे में आपकी चीज़ खरीद सकते हैं, तो एक्सपोर्ट्स उससे बढ़ते हैं। देन हमको पैसा बोरो करना पड़ा, क्योंकि हमारा बहुत खर्चा जो था वो वॉर पे हो गया था, तो हमको पैसा बोरो करना पड़ा IMF से, फार्मर से पैसा बोरो करना पड़ा। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो क्रिएट हो, तो हमारे ऊपर, क्योंकि फेमाइंस भी थे और IMF से हमने पैसा भी लिया, तो जब हमने IMF से पैसा लिया, ज़्यादा पैसा लिया, तो उस केस में क्या हुआ, हमारे ऊपर डेट जो था वो चढ़ना भी स्टार्ट हो गया। और यू ऑल नो डेट इज़ अ थिंग कि जो जो किसी भी कंट्री के लिए सस्टेनेबल नहीं होता ज़्यादा देर के लिए। टारगेट ग्रोथ रेट जो था वो 5.6% था, एक्चुअल 2.4%, तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया हमारा ग्रोथ रेट। देन
रूरल एरियाज़ में एजुकेशन पे फोकस करने के लिए प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किए गए, पंचायती इलेक्शंस जो थे वो स्टेट्स में स्टार्ट किए गए, देन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स बनाए गए, स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए गए, जैसे हर एक स्टेट में होता है एजुकेशन बोर्ड, वो बनाया गया। देन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 1965 में हम वॉर लड़ चुके थे, कंट्री की कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी, तो इतना पैसा भी नहीं था कि अगला प्लान लाया जा सके, इसलिए 3 एनुअल प्लान लाए गए 1966 से 69 के बीच में। और ध्यान रखिए इस टाइम पॉलिटिकल क्राइसिस भी इंडिया में चल रहा था, क्योंकि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी, फिर 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो दोनों लोगों की मतलब 2 साल में इंडिया ने 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे, तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी कंट्री में चल रहा था, इसलिए उस टाइम पे प्लान हॉलीडे लाया गया 1966 से 69 के बीच में। तो 3 एनुअल प्लान्स लाए गए एक एक साल का। इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1966-67 वाले फाइनेंशियल ईयर में। सो ग्रीन रेवोल्यूशन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली था क्या, बट अभी आप ध्यान रखें कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो 66-67 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसने हमारे यहाँ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और हमको एग्रीकल्चरली सस्टेन करवाया। देन इक्वल प्रायोरिटी इस टाइम पे दी गई एग्रीकल्चर को, अलाइड एक्टिविटीज़ को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। देन आया 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 में। अब इस प्लान के बीच में भी एक वॉर हमने लड़ लिया, वो था बांग्लादेश वाला वॉर, दैट इज कॉल्ड एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो पाकिस्तान के साथ हमने लड़ा और जिसके बाद बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया। 1969 में ही नेशनलाइजेशन की गई 14 बैंक्स की। वो क्यों की गई थी, वो जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिए 14 बैंक्स और फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ब्रांचेस खोली गई, ताकि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन में जितने भी सीड्स और जो जो कुछ इंट्रोड्यूस करवाया है अगर उनको खरीदना है तो फार्मर्स को लोन जो है वो फॉर्मल वेज में बैंक से मिल पाए। देन उसके बाद इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जिसको पोखरान 1 भी बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पोखरान 1 1974 में किया। US डिप्लॉयमेंट ऑफ 7th फ्लीट इन बे ऑफ बंगाल टू वॉर्न इंडिया अगेंस्ट अटैकिंग वेस्ट पाकिस्तान। US ने उल्टा बे ऑफ बंगाल में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी थी कि ताकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे, वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है उस पे अटैक ना कर दे। उसके बाद 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फर्टिलाइज़र के प्राइसेस भी बढ़ गए, क्योंकि फर्टिलाइज़र सारा इंडस्ट्रीज़ में बनता था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से एनर्जी के प्राइसेस बढ़े, जब एनर्जी के प्राइसेस बढ़े तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल प्राइसेस भी बढ़ने लगे। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई थी इस टाइम पे, तो जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी दैट वाज 5.6% और हमने अचीव की 3.3% ऑनली, तो ऑलमोस्ट आधे के आसपास हमने। फिर आया 5th 5 ईयर प्लान। अब ध्यान रखिएगा, ये 5th 5 ईयर प्लान ऐसा प्लान है जो 2 बार बना है, क्योंकि 1977 में क्या हुआ था, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की, 1977 में जब इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इलेक्शंस हार गई थी और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी इंडिया में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई, तो इसलिए फिर उन्होंने इस प्लान को दोबारा से चेंज किया था। तो 5th 5 ईयर प्लान जो 74 से 79 तक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था, दैट लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन और जस्टिस पे फोकस किया गया, मतलब गरीबी को हटाना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी और सेल्फ रिलायंस हमको लानी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और डिफेंस में भी, ताकि हमको बाहर से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदनी ना पड़े। 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1975 में पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया 1974 में। इस प्लान को बनाया था DP धर ने, तो ये भी आप नाम ध्यान रखेंगे। टारगेटेड ग्रोथ रेट वॉज 4.4%, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज 4.8%। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1975 इनैक्ट किया गया इस टाइम पे, विच एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इन टू पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिजली बनाने का और उसको ट्रांसमिट करने का काम जो है वो चालू कर दिया, पर इस प्लान को 1977 में मुरारजी देसाई गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया।
सॉरी ये एग्जैक्टली ये रिजेक्ट कर दिया। फिर दे केम अप विद दिस प्लान, ये बेसिकली नाम यहाँ रोलिंग प्लान है, बट उन्होंने 5th 5 ईयर प्लान ही बनाया था 1978 से 83, बट उनकी गवर्नमेंट 80 में गिर गई, तो उस वजह से ये प्लान जो है वो वहीं ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। सो इंट्रोड्यूस्ड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट एज 6th 5 ईयर प्लान, सो दे इंट्रोड्यूस इट एज 6th 5 ईयर प्लान, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 1980 में। सो सॉरी मैंने आपको पहले गलत बोला, 6th 5 ईयर प्लान जो है वो 2 बार बना है, पहले मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बनाया और बाद में फिर इंदिरा गांधी की वापसी होती है जब 1980 में, तो उन्होंने फिर उसको दोबारा से बनाया। तो फिर 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 1985। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जब पॉवर्टी एलिवेशन की बात आती है ना, तो कई बार पेपर में वो कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि कौन सा प्लान था जिसका ऑफिशियल थीम था गरीबी हटाओ, तो ये ध्यान रखिएगा 5th 5 ईयर प्लान में ये स्लोगन आया था गरीबी हटाओ का, ये प्लान का बेसिक पार्ट था गरीबी हटाओ। अदरवाइज इंदिरा गांधी ने स्लोगन 1971 के इलेक्शंस में दिया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब 6th 5 ईयर प्लान की बात करूं तो यहाँ से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, नेबार्ड एस्टैब्लिश किया जाता है विच इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिवारमन कमिटी। सो ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया, गाँव में जितना भी क्रेडिट डिसबर्स होता है दैट इज़ डन अंडर द सुपरविजन ऑफ नबार्ड, अदरवाइज पहले RBI अर्बन और रूरल दोनों क्रेडिट्स को देखता था, बट अब जो है रूरल क्रेडिट को नबार्ड देखता है। फैमिली प्लानिंग जो थी वो एक्सपैंड की गई इस टाइम पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, नेहरू का सोशलिज्म इस टाइम पे ख़त्म होता है, मतलब जो स्टेट का कंट्रोल था हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अब उसको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। टोटल ग्रोथ रेट जो थी वो टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.2 थी और एक्चुअल 5.4 थी, तो हमने ग्रोथ टारगेट्स को अचीव किया। अकेला 5 ईयर प्लान है जो 2 बार हुआ, एक बार मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। सोशल सर्विसेज पे बड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, और दो बेसिक स्कीम दैट इज़ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम्स जो थे वो 1980 में स्टार्ट किए गए अंडर दिस प्लान। देन आपका आता है 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 1990। इस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाके फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं 1982 से 85 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द गवर्नर ऑफ RBI, और 1985 जब ये प्लान स्टार्ट हुआ उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन जो थे वो मनमोहन सिंह थे। इसका भी फोकस यही था कि हमको सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ अचीव करनी है 2000 तक, टारगेटेड ग्रोथ रेट 5%, एक्चुअल ग्रोथ रेट 6% थी। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे स्पीडी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस, तो जो बेसिक फोकस था अब इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना था। अब हुआ कि आप सबको पता है कि 1990-91 वाला जो पीरियड है उसमें हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस टाइम इतना पैसा नहीं था कि आप प्लान क्रिएट कर सको, तो ये एनुअल प्लान्स 2 आए थे जो 1990 में आया और 1991 में आया उसके बाद, ठीक है। सो अनसस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट हो गया था और एक्सेसिव इंटरनल बोरोइंग्स की वजह से हमारे यहाँ क्राइसिस आ गया। चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी जिन्होंने 2.2 बिलियन डॉलर्स IMF से लोन लिया, कितना गोल्ड प्लेज करके 67 टन गोल्ड्स जो थे था वो गोल्ड जो था वो प्लेज किया गया, बट उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद राजीव गांधी की असैसिनेशन हो जाती है 1991 में, और फिर जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं PV नरसिम्हा राव, और उस टाइम पे फिर LPG का कॉन्सेप्ट लाया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जिन्होंने इकोनॉमी को ओपन करने की बात की थी। तो चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने बेसिकली 2.2 बिलियन डॉलर लोन लिया था IMF को प्लेज करके 67 टन्स ऑफ गोल्ड, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि चंद्रशेखर जो थे वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे 1990 में। देन बात करते हैं हम 8th 5 ईयर प्लान की जो 1992 से 1997 तक रहा है। इस टाइम पे इंडिया WTO का मेंबर बना 1995 में, WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.6 थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट 6.8%, क्योंकि LPG के आने के बाद हमारे यहाँ ग्रोथ जो थी वो बढ़ी थी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से हम अब मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर लिया था। ये कॉन्सेप्ट्स मैं अलग से एक वीडियो में आपको समझाऊंगा कि LPG होते क्या है। देन
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट करवाना, ये बेसिक फोकस थे इस प्लान के। इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज किया गया, पंचायत्स को, नगर पालिकाज को, एनजीओज को डिसेंट्रलाइजेशन और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाई गई। इसी टाइम आप देखोगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पास किए गए, जिसने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डिसेंट्रलाइजेशन में। फिर आता है आपका 9th 5-year plan 1997 से लेके 2002 तक। दिस मार्क्स द 50th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। 50 साल हो गए थे इंडिपेंडेंस को। और इसका थीम जो था दैट वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। टारगेटेड ग्रोथ रेट 7.1% था, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज 6.8%। तो ग्रोथ रेट जो था वो थोड़ा सा कम हो गया था। देन इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर ग्रोथ, फोकस फिर किस पे आ गया कि एग्रीकल्चर को ग्रो करो और करेक्ट हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो भी पुरानी इनइक्वालिटीज है उनको ख़त्म करना और ग्रोथ की तरफ फोकस करना है। देन आता है आपका 10th 5-year plan 2002 से 2007, जिसका बेसिक फोकस था भारत निर्माण, मतलब कि इंडिया को अब क्रिएट करना है, डेवलप करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। टारगेटेड ग्रोथ रेट 8%, एक्चुअल ग्रोथ रेट वो 7.2%। पर कैपिटा इनकम जो है अगले 10 साल में डबल करनी है, हर इंडिविजुअल की इनकम को डबल करना। फिर 11th 5-year plan आया, जिसका मेन थीम जो था दैट वाज रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सी रंगा राजन कमिटी या सी रंगा राजन ने ये प्लान बेसिकली क्रिएट किया था। टारगेटेड ग्रोथ रेट वाज 8.1%, जबकि एक्चुअल वाज 7.9%। एंड देन उसके बाद आया आपका 12th 5-year plan विच वॉज द लास्ट 5-year plan। इसका थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और टारगेटेड ग्रोथ रेट 8% हमने रखा था। बट बाद में 2014 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया, और 2015 में फिर आ गया आपका नीति आयोग, तो उसने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही जो था वो चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि प्लानिंग ने बहुत हेल्प की इंडिया को डेवलप करने में, बट प्रॉब्लम ये रही कि प्लानिंग में कुछ भी सिंक्रनाइजेशन में नहीं रहा। अब सिंक्रनाइजेशन में नहीं रहा क्योंकि कभी आप एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हो, कभी आप इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हो, फिर दोबारा से आपको लगा नहीं एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है तो आपने एग्रीकल्चर पे फोकस स्टार्ट कर दिया, और फिर वो जो वॉर्स लड़ने का कॉन्सेप्ट था उसने इंडिया को, वो एक्चुअली इंडिया की मजबूरी थी, उसने इंडिया को क्या किया, काफ़ी हद तक यू नो डेट में आना पड़ा इंडिया को, बिकॉज हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे थे तो उसके लिए पैसा दे रहे थे, तो उस जो पैसा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे लगना चाहिए था वो सारा वहाँ चला गया। तो इस वजह से इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई। तो आई होप आपको ये 5-year plans क्लियर होंगे। जिसको भी PDF चाहिए इन 5-year plans की, वो मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पे 9086280585 पे। आई विल सेंड यू दी PDF ऑफ दिस प्लान। बाकी वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच।